हर कोई कहता है जाति अहम नहीं है, फिर भी राजनीतिक पार्टियां जब गठबंधन करती हैं तो जाति आधारित पार्टियों के साथ करती हैं। अगर वोट बैंक की जाति वाला खेल ये नहीं है तो फिर क्या है? राजनीति जातिगत समाजों को अधिकार और समानता के नारे देती है और समाज अपने वर्चस्व का झंडा बुलंद करके राजनीति को प्रभावित करती है। जाति और राजनीति का एक ऐसा गठजोड़ है जो लंबे समय से भारतीय सियासत का सच रहा है। कांग्रेस पार्टी ने 70 साल तक जातिवाद, परिवारवाद और भ्रष्टाचार के आधार पर राज किया। मोदी जी ने देश में से जातिवाद, परिवारवाद और भ्रष्टाचार को समाप्त कर दिया। जातियों की राजनीति कोई 2024 या कुछ दशक पहले नहीं उपजी, बल्कि इसकी जड़ें आजादी की लड़ाई से भी काफी पहले भारतीय समाज में पैबस्त हो चुकी थी। भारत की स्वतंत्रता के बाद पुराने फॉर्मूले को ही आगे बढ़ाकर सत्ता को साधा गया। सबसे पहले 1930 के दशक में बिहार में कई जातियों को इकट्ठा करके त्रिनेणी संघ बना। इससे जाति जमात बनी और एक शक्ति तैयार हुई। इसने बाद में सामाजिक न्याय के आधार पर जातिवादी राजनीति की नींव डाली, क्योंकि तब मुख्य पार्टी कांग्रेस को सवर्णों की पार्टी कहा जाता था। आजादी से पहले ही पंजाब प्रांत के बड़े किसान नेता सर छोटू राम ने अहीर, जाट, गुज्जर और राजपूत को मिलाकर AJGR यानी अजगर संगठन प्रस्तावित किया। 1960-70 के दशक में यूपी के बड़े किसान नेता चौधरी चरण सिंह ने इसी अजगर को मजगर बनाया यानी MJGR। इसमें अहीर, जाट, गुजर और राजपूत के साथ मुस्लिम को जोड़ दिया और बड़ी राजनीतिक शक्ति बने, अपनी पार्टी बनाई, जिसके कारण वो यूपी के मुख्यमंत्री और बाद में देश के प्रधानमंत्री तक बने। 1978 में काशी राम ने दलितों के अधिकार के लिए ऑल इंडिया SC ST OBC और माइनॉरिटी एसोसिएशन यानी वामसेफ का गठन किया। ये गैर राजनीतिक दल था। इसके बाद उन्होंने दलित शोषित समाज संघर्ष समिति यानी DS4 की शुरुआत की। 1984 में काशी राम ने BSP की स्थापना की, जिसकी नेता आज मायावती है। मंडल कमंडल के दौर में यूपी में बनी समाजवादी पार्टी और बिहार में राष्ट्रीय जनता दल, दोनों पार्टियों का वोट बैंक MY यानी मुस्लिम यादव गठजोड़ माना गया। दोनों ने लंबे समय तक अपने अपने राज्यों में राज किया। BJP को एक समय सवर्णों की पार्टी कहा जाता था, लेकिन अब BJP ने महिला, युवा, किसान और गरीब के बड़े आवरण के अंदर सभी जातियों को साधने की राजनीतिक नींव डाली है। जातियों के सहारे राजनीति और राजनीति के सहारे जातियां, ये फिलहाल भारतीय लोकतंत्र का सच है।